दिल्ली के ड्राइवर्स आज पहुंचे हैं जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर। मांगे इनकी है कि जो ऑनलाइन वेबसाइट है कैब बुकिंग की, ऑटो बुकिंग की यानी ओला उबर, ये कंपनियां इन ड्राइवर्स के साथ फ्रॉड कर रही है और ये फ्रॉड बड़े पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि जब आप दिल्ली का नागरिक या कहीं पर भी आप अगर ओला उबर को बुक करते हैं तो जो पैसे इन लोगों को मिलते हैं उसमें से 35 से 50% कमीशन इन कंपनियों को चली जाती है। सवाल ये उठता है, गाड़ियां इनकी, मेहनत इनकी, पेट्रोल इनका, तमाम चीजें इनकी, इंश्योरेंस तक इनका, लेकिन जो फायदा है वो कंपनियों का। ये पक्षपात क्यों इन्हीं मांगों को लेकर आप देख रहे हैं कि तमाम जो प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है इस मंच पर, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि आज इन लोगों को यहाँ पर आने के बाद क्या लगता है, क्या इनमें अभी भी कोई आस बाकी है कि इन लोगों के साथ इंसाफ होगा। कहाँ से आए भाई साहब? हाँ, मैं साउथ दिल्ली से आया हूँ। क्या करते हैं? मैं यूनियन चलाता हूँ, ऑटो टैक्सी चालक सेना का जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश का। यूनियन चला? हाँ। तो आज यहाँ पर जो भी हुए हैं यूनियन के पदाधिकारी आए हैं, वैसे अभी ऑटो वाले कोई नहीं आए हैं, क्योंकि आज हमारे यूनियन के जितने भी दिल्ली के पदाधिकारी थे तो सब वही आज इकट्ठे हुए हैं। तो ये इसके विरोध में हुए, एक तो ये मतलब जो बाइक चल रही है, ये आप लोगों को सबको पता है, ये मतलब बाइकों पर अफीम भी बेच रहे हैं, गांजा भी बेच रहे हैं और सवारियों को मतलब उठा रहे हैं। जैसे हमारा ड्राइवर, हमारी गाड़ी 7 लाख रुपए की गाड़ी है, हमारे ड्राइवर की किस्त भी जाती है, सारी सवारी ये हमारे ड्राइवर को ले जाते हैं। ओला उबर वालों ने इतना आतंक मचा दिया, इतना वो कर दिया, तो ये मतलब किसी की सुनकर आई, इनके खिलाफ हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। 15 तारीख के बाद हम हड़ताल भी करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे दिल्ली का, ठीक है। और जो हमारे ये अध्यक्ष 15 तारीख के बाद चक्का जाम होगा दिल्ली का, 15 अगस्त की बात कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। ये क्या कर रहे हैं? ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन से। आप यूनियन से है, क्या मांगे आपके यूनियन की? मांग यही है जी, पिछले 11 वर्षों से हम सरकारों को बोल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो मोदी की, हम लगातार उनको कह रहे हैं भाई ये गैर कानूनी मोबाइल ऐप बेस्ट कंपनियां जो ओला उबर चल रही है, और अब रैपिडो भी आ गई, डिजिटल हो रहा है, डिजिटल होने से तो फायदा मिलेगा। पहले कस्टमर आपसे किचकिच करता था कि वहां जाने के 50 रुपए दूंगा, वहां जाने के 60 रुपए दूंगा। मुद्दे पे हम आ रहे हैं कि कहा तो जा रहा था, मगर ये जो गैर कानूनी एक साम्राज्य चल रहा है, कोई अपना वेबसाइट कंपनियों को दे दिया जाता है, वो पहले ड्राइवरों को अपना भ्रमित करती हैं, फिर पैसेंजरों को भी लूटती हैं। आज उन्होंने अनलीगल व्हाइट टैक्सी चला दी, व्हाइट नंबरों की। ये ऑटो टैक्सी चालक कहाँ जाएंगे जो लाखों रुपए की अपना टैक्सी और अपना ऑटो रिक्शा खरीदते हैं? हमको, हम टैक्स देते हैं सरकारों को, परमिट फीस देते हैं, अपनी फिटनेस देते हैं, और इतनी महंगी इंश्योरेंस है कि इनके लिए, प्राइवेट वालों के लिए वो नहीं है सकती। तो आज हम लगातार मांग कर रहे हैं भाई ये इन कंपनियों का नेटवर्क पर रोक लगाई जाए। ये अगर कल को क्या चाहते हैं, ओला उबर को बंद कर दिया जाए? बिल्कुल बंद किया जाए। ये विदेशी कंपनी है भाई, इनका कहाँ दफ्तर है, कहाँ पे अपना ऑफिस है? कोई देसी आदमी बना लेगा कंपनी? नहीं, क्यों बना लेगा? देसी सरकारी लोन चाहो ना, सरकार अगर इतना ही अपना चाहती है देश के लिए लोगों की सुरक्षा, तो अपना मोबाइल ऐप सरदार जी अपनी कंपनी बना ले और वो ओला उबर जैसी कंपनी हो जाए, हो सकता है कुछ भी। देखिए, दिल्ली सरकार की खुद पूछो ऐप बनी हुई है, जिसमें करोड़ों रुपया, लगभग 400 करोड़ रुपया हर रोज विदेशी कंपनियां लूट के ले जाती हैं आम पब्लिक से कमीशन के नाम पे, वो बच सकता है। तो क्यों नहीं थे केजरीवाल सरकार दिल्ली की सरकारी ऐप को चलाती है जो बनी पड़ी है? कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की कमी है ना। तो आप लोग बैनर और झंडा लेकर आएंगे, सरकार जो है देखो हमारे खिलाफ नाइंसाफी कर रही है। नाइंसाफी हो रही तभी तो यहाँ सभी करते हैं, अगर नाइंसाफी नहीं होती तो हम यहाँ क्यों आते? सरकार से ही तो मांग कर रहे हैं ना आप इन कंपनियों को बंद किया जाए। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप अपनी सरकारी ऐप जो बना के आपने रखी हुई है 7 साल से, उसका प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं चला रहे हैं, जिसके अंदर सभी जो ड्राइवर हैं वो सरकारी वेरीफाइड हैं, किसी का किसी भी तरह कोई भी धोखा नहीं होगा। मैं खुद, मैंने 4 बार अभी एक हफ्ते के अंदर ट्राई किया है, लीगल इनलीगल बाइक टैक्सी चल रही है, बुक करते हैं तो कोई और बाइक टैक्सी दिखाती है,
आती है तो कोई और नंबर से आती है, ड्राइवर कोई और होता है। सेम यही पोजीशन टैक्सी में है, ड्राइवर कोई और है, आता कोई और है, आईडी उनकी डुप्लीकेट नाम से बनी हुई है, सवारी जो है सुरक्षित नहीं है। हमें अपने साथ साथ सवारी की भी चिंता है, क्योंकि अगर गलत सवारी बैठी तो हमें मार के गाड़ी लूट ली जाएगी, और अगर सवारी कोई गलत है तो हमारे साथ होगा। और इसमें ऐसी बहुत से जो इलीगल लोग हैं जो आपराधिक गतिविधि में लिप्त हैं, वो भी आकर नकली आईडी बनाकर इन ओला ओवर ऐप बेस्ड कंपनी में गाड़ी चलाती है, जो आम पब्लिक के लिए सेफ नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने ये बोला कि आप सरकारी ऐप चलाइए जिसमें कमीशन भी बचे और जनता का भी करोड़ों रुपए का जीएसटी बचे। बिल्कुल, कुछ और लोग यहाँ पर है प्रोटेस्ट में, हम उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। आप देखिए उधर तमाम ये जो है यूनियन के लोग और ड्राइवर्स आपको दिख जाएंगे, यहाँ मंच है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो इन लोगों की मांग है, कई लोगों से अभी हमने आपकी बातचीत कराई है, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर एस राठौर है, मैं दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ हम लोग आए हैं एक्चुअली जो इस समय रैपिडो मोटरसाइकिल इन ड्राइव ओला ऐप जो कंपनियां है, खासतौर से फिलहाल रैपिडो और ये जो इन ड्राइव, ये इलीगल कंपनियां जो में बाइक के चल रही है, और इससे हमारा टैक्सी का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। और सरकार कोर्ट ने इनको बैन किया हुआ है, पर प्रशासन की मिली भगत से ये दिन रात सड़कों पे चल रही है और सरासर इलीगल चल रही है, जिससे कि हमारे परिवार में, हमारे शहर में अप्रिय घटना भी हो सकती है। क्योंकि व्हाइट प्लेट की मोटरसाइकिल है, गाड़ी कोई सी बुक करो आती कोई सी है। आपने निर्भया जैसा कांड दिल्ली के अंदर भी देखा है, आज भी हम देखते हैं रात को बैन ब्रेक में बुक करके जा रही है, कोई श्योरिटी नहीं है। बैन ब्रेक के साथ हो गया तो सरकार पल्ला झाड़ देगी। ऐसे आप देखिए जो भी चला रहे हैं, रैपिडो जो भी चलाते हैं, वही प्रोसेस है जैसे आपके गाड़ी को रजिस्टर करना होता है, आपके आधार कार्ड को लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं, तमाम तरह की चीज आपका अकाउंट तक वहाँ पर है, हो गया। सवाल तो ये नहीं उठेगा, अभी उठा देते ना, इसका जवाब है हम भी जवाब बताए। 25 ड्राइवर मर चुके हैं अभी तक, कितने अभी तक तो 25 ज्यादा होंगे, हमारे पास भी रिकॉर्ड नहीं आया और सबका रिकॉर्ड है। और जैसे ही कोई ऐसा कांड होता है, कंपनी अपने सिस्टम से 2 मिनट में हटा देती है कि ये हमारे प्लेटफॉर्म पे था ही नहीं। अच्छा, तो ये जब कमर्शियल व्हीकल को हटा सकती है, तो ये प्राइवेट बाइक पे तो आप ये बताइए ना, गुंडे घूम रहे हैं, बदमाश है, इलीगल लोग है, ड्रग सप्लाई हो रही है, शराब की सप्लाई हो रही है, क्या कहनी सप्लाई हो रही है इन बाइकों पे, तो ये तो सरासर गलत हो रहा है ना। कहां से पकड़ के लाएंगे सर? कंपनी हटा देगी 1 मिनट के अंदर अपने प्लेटफॉर्म से कि हमारे पास नहीं है। जनता को भी तो समझाना होगा। हाँ, तो यही तो हम जनता को समझाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे धूप में कि जनता ऐसा मत करो। अगर आपको 2 पैसे बचाने का शौक है तो अपना जीवन क्यों आप उसमें डाल रहे हो, असुरक्षित क्यों हो? अगर मोटरसाइकिल से किसी ने टक्कर मार दी और मर गया तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा ठुनठुना। हमने भुगत भोगी है, एक ऊबर का ड्राइवर था मोटर बाइक पे, आप जैसा यंग लड़का था, पढ़ा लिखा, अमेरिका जा रहा था पढ़ने के लिए, गुड़गांव में उसकी पीछे से हिट करके मार दिया, उसको फट गया सारा सर्वर, ठीक है, और उसकी पढ़ाई रह गई, वो कोमा में चला गया। कौन जिम्मेदार उसका? कंपनी ने हाथ झाड़ लिया कि हमारे तो प्लेटफॉर्म पे ही नहीं था। क्या मांगे मानी जाएगी? जब हमने काले कानून को रुकवा दिया तो ये भी रुकवा देंगे। बहुत बड़ी संख्या, 23 करोड़ ड्राइवर है, 23 करोड़ ड्राइवर है, और 23 करोड़ ड्राइवरों की जो समस्या है उसको आप सुन रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है, ये लोग यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर कोई बड़ी घटना हो जाए, अगर आप रैपिडो बुक करते हैं, गाड़ी कोई और आए, ड्राइवर कोई और आया और आप उस पर बैठकर चले जाते हैं, खासकर महिलाएं और बहनें, तो आने वाले समय में ये चुनौतियां इस तरह की स्थिति जो है वो
के लिए यहाँ पर बैठे। आपका नाम यहाँ आप आए हैं क्या परेशानी है? धूप में आप परेशानी जिस सरकार को आम पब्लिक ने बनाया और उससे दोनों लोग दुखी हैं। कुछ नहीं होगा, मतलब जो राइट बुक करता है वो भी और जो राइट कर रहा है वो भी। एयरबस कंपनियां 35-50% कमीशन काट रही है। कितने लोग हैं? सेकेंडली सेफ्टी पर्पज अगर देखा जाए तो किसी के पास नहीं है, और जब कोई जिम्मेदारी की बात आती है तो सरकार काम मोड़ लेती है, आईपीएस कंपनियां काम मोड़ती है कि हमारी कोई उससे मतलब नहीं है। हमने आरटीए लगवाई, रघु जी है हमारे बलवंत जी से, उन्होंने आरटीए लगाई, कैलाश गहलोत जी से मिले, हमारे और हमने मेल भी किया, तब जाके उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। और एक्शन किस पे लिया? ड्राइवर पे। देखिए इधर राम नरेश जी भी हमारे साथ हैं, ये भी यूनियन से जुड़े हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं। अच्छा आप बताइए, आप लोग यहाँ पर आए हैं डिमांड करने के लिए कि जो रेपिडो है, ओला उबर की मनमानी है, उस पर लगाम लगे, लेकिन यहाँ आबादी अगर देख ली जाए आप लोगों की, मुश्किल से 22-25-50 लोग आप लोग देखते हैं, बाकी ड्राइवर तो काम कर रहे हैं। नहीं सर, देखिए ये एक संगठन के यूनियन के पदाधिकारियों की मीटिंग थी, आम ड्राइवर का कोई इतना बड़ा मौका विशेष वो नहीं था, ये एक मीटिंग के तौर पर बुलाई गई थी। अब हम यहाँ से आगे की रणनीति तैयार करेंगे, आगे क्या करना है। अभी हम 15 अगस्त रणनीति बन पाएगी, बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि हम लोग पूरा इसका सिस्टम लेके चल रहे हैं। 15 अगस्त को साथी सम्मेलन हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं राष्ट्रीय गठबंधन मंच से, जैसे मेरा जो सिस्टम है राष्ट्रीय गठबंधन मंच का, उसके माध्यम से हम लोग दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय साथी सम्मेलन ड्राइवर महापंचायत बुला रहे 15 अगस्त के लिए, और उस दिन हम एक राहत कोष का निर्माण भी करेंगे ताकि अगर हमें स्ट्राइक करनी पड़े, हड़ताल करनी पड़े, तो कोई ड्राइवर के भाई के ऊपर अगर कोई समस्या आती है तो राहत कोष के माध्यम से मदद कर। बिल्कुल, तो ये जो प्रोटेस्ट है 15 अगस्त तक का समय सरकार को दे रही है, और 15 अगस्त के बाद दिल्ली में जो खासकर ऑटो और कैब ड्राइवर्स है वो अपनी गाड़ियों के पहिए रोक देंगे, और आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए उत्पन्न हो सकती है। आखिर में आप क्या मैसेज और संदेश देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, दिल्ली सरकार को, ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं उनको, क्या मैसेज? देखिए मैसेज साफ है कि हमारे जो साथियों का शोषण हो रहा है, वो शोषण अगर आप नहीं बंद करते गुलामी करनी है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आप लोगों के हाथ में है, पब्लिक को भी तकलीफ हो रही है, हमारे वाहन जाम हो रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी इसका सारा श्रेय हमारी सरकार को जाएगा, क्योंकि हम आज इनको अगर उस पौधे पे बिठाए हुए हैं तो हमने इसलिए नहीं बिठाया था कि हमारी सुनी न जाए। हमारे पूरा ड्राइवर समाज हमारे एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, ऑटो का किराया ज्यादा, टैक्सी का कम, दोनों को आपस में लड़ाया जाएगा, ऐसे बहुत सारे राजनीति दल हैं जो राजनीति करते हैं, लेकिन हम ये बात देंगे। आज हमारे सारे जो यूनियन लीडर्स हैं उनको बुलाया गया, उनका आह्वान था, क्योंकि ये सारी बातें फोन पे पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए इनको यहाँ पे इकट्ठा किया गया कि आज एक रणनीति बनेगी और उस गुलामी में हम लोग 15 अगस्त के बाद काम करेंगे। हम देश के कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे हमारा नाम खराब हो या हमारे किसी यूनियन का नाम खराब हो। देखिए एक और हमारे साथ ऐसी क्या वजह है जो हम अपनी गाड़ी पर काम नहीं करके उनसे गुलामी कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ हमारी गाड़ी पर काम नहीं है और हमने उनको इस हिसाब से करेंगे कि जो परेशानी है आप लोगों को, आप लोग कह रहे हैं कि रैपिडो को बंद कर दो, ओला उबर की मनमानी हम लोग नहीं सहेंगे, काम तो आपको ही आप दे रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? गाड़ी हमारी, ड्राइवर हमारा, सब कुछ हमारा, भुक्ति भुक्ति। अच्छा ये कानून है आप लोग तो बंद कर सकते हैं। 8,80,000 की 2,000 के दिए, 5,000 की गाड़ी मिलती थी, 8,80,000 की, वो 13 किस्त वगैरह देकर के 13 लाख की पड़ती है, उसका क्या रेट है? 8 रुपए किलोमीटर। बाइक का क्या रेट है? 10 रुपए। ऑटो का क्या रेट है? 11 रुपए। क्या ऑटो ऑटो बाइक से भी गिरी हुई है क्या? बाजार एसी में बैठ के जाता है आदमी, क्या है? अच्छा सर, मालिक के तौर पर बच्चे या न बच्चे, कंपनियों को जरूर बचना चाहिए। तो आप सभी लोग 50% कमीशन, 40% कमीशन, न्याय है
हमको तो सरकार ने ऐसे बांध दिया है जैसे बंधुआ मजदूर से भी बुरा। हमने पैसे खेत में करके जब गाड़ियां ली थी अब गहने में करके किस्त भर रहे बच्चे भुखमरी में बैठे हुए क्या करें। तो हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर है नहीं बचता क्या बचता है। हम आत्महत्या करने जा रहे हैं और सरकार को 9 तारीख अभी 15 चुप है 20 तारीख से चक्का जाएगी तो शहीद बजा देंगे और सरकार को दिखा देंगे हम क्या है। सारे ड्राइवर आएंगे सारे ऑनलाइन कंपनियां सब बंद ऑनलाइन कंपनियां सब बंद सारी ऑनलाइन सारे ड्राइवर सारा समाज सारी यूनियन। इसलिए हमने ये मीटिंग बुलाई आप और जंतर मंतर। अच्छा जनता कहती है कि हम ओला उबर से अगर बुक करें तो सस्ता पड़ता है। भाई हम चलाएंगे नहीं जनता किससे आएगी जनता रिक्शा चलाएगी रिक्शा चला रखा है हर चला रखी है जाए उससे बिल्कुल हड़ताल बिल्कुल 20 तारीख से बिल्कुल हड़ताल 20 तारीख से बिल्कुल हड़ताल। कितने ड्राइवर हैं आपके यूनियन में? हमारी यूनियन में कोई गाड़ी नहीं चलेगी सरकार को अगर खोस रहे हैं ओला उबर का बसर क्या बोला रहे हैं सरकार को अभी तो चला ओला उबर में कौन सा सरकार बोला है ड्राइवरों की कमियां है यह क्यों नहीं आ रहे जब वो भूखे होते मरते तो है आते वो भूखे उनका पेट भर रहा है इतना ही आदमी परेशान है वो परेशान नहीं है परेशान होते तो यहाँ नहीं आते। बिल्कुल परेशान होते तो यहाँ नहीं आते। यहाँ पर देखिए 9 से 15 तारीख तक क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि 9 अगस्त के बाद से जो आंदोलन है वो तेज होगा और 20 तारीख से अगर उन लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है और इन ऑनलाइन कंपनी पर मनमानी जो है उस पर रोक नहीं लगाई जाती है तो 20 तारीख से जो दिल्ली में वाहनों के पहिए हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुख्य आप कहेंगे कि पायदान है उसे मत किया जाएगा ना तो ऑटो चलेगी और ना ही कैब चलते हुए दिखेंगे। बहरहाल होता क्या है क्या इनकी मांगे मानी जाती है या नहीं मानी जाती है बताएगा। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया सहित हर इम्पोर्टेंट के साथ।